हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ Xiaomi डिवाइसेस यहाँ पर डेड हो चुके हैं, यानी कि आज कुछ Xiaomi डिवाइसेस के लिए चाइना बेटा रूम के अपडेट्स आने बंद हो चुके हैं, यानी कि उनके लिए आज का लास्ट चाइना बेटा था 22.7.13। उनके बाद कुछ डिवाइसेस में चाइना बेटा अपडेट्स कभी भी रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर 8+ डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस हैं इसकी बात करेंगे, और क्या वो डिवाइसेस इंडिया ग्लोबल में भी अवेलेबल हैं या फिर नहीं है, इसकी भी मैं आज आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे 22.7.13 का चाइना बेटा अपडेट रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे फ्रॉम July 18, 2022 द फॉलोइंग मॉडल्स विल स्टॉप द डेली बेटा ऑफ द डेवलपमेंट वर्जन BCC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Mi 10 Pro, K30 Pro, Mi 10 Lite। और इसमें हमें चेंज लॉग में Xiaomi फोटो एल्बम ऑप्टिमाइज़ फोटो लिस्ट लेआउट एंड फोटो स्पेसिंग टू हेल्प इम्प्रूव व्यूइंग एफिशिएंसी। और इसी के साथ 22.7.13 विल बी द लास्ट डेवलपमेंट वर्जन ऑफ द बेटा वर्जन फॉर द फॉलोइंग स्नैपड्रैगन 865 डिवाइसेस। यहाँ पर डिवाइसेस के नाम है Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 B10, Mi 10 Pro, K30 Pro और Mi 10 Lite। तो यहाँ पर ये 8 डिवाइसेस के लिए चाइना बेटा अपडेट्स 22.7.13 का लास्ट था। अब इनको कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा चाइना बेटा का। अब बात कर लेते हैं क्या ये डिवाइसेस इंडिया में भी अवेलेबल हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ पे Mi CC9 Pro ग्लोबल में अवेलेबल है, K30 5G अवेलेबल नहीं है, K30i 5G की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन Redmi K30 अवेलेबल है। यहाँ पे Redmi K30 इंडिया में Poco X2 के नाम से अवेलेबल है। Poco X2 के लिए MIUI 13 Android 12 की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, ग्लोबल इंडिया में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। और उसके लिए MIUI 13 का अपडेट यहाँ पर मेरे हिसाब से लास्ट होगा, उसको अब कोई भी अपडेट्स नहीं मिलेंगे MIUI 13 Android 12 के बाद Redmi K30 यानी कि Poco X2 ग्लोबल इंडिया के लिए। इसके बाद अगला डिवाइस Mi 10 के लिए ऑलरेडी MIUI 13 Android 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट, ग्लोबल स्टेबल अपडेट एवरी रीजन में रिलीज़ कर दिया गया है, और इसके लिए भी मेरे ख्याल से MIUI 13 लास्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए एक और MIUI अपग्रेड रिलीज़ किया जाएगा MIUI 13.5 का। इसके बाद सेम Mi 10 Pro, इसके लिए भी MIUI 13 Android 12 सभी रीजन्स में रिलीज़ कर दिया गया है, इसके लिए भी MIUI 13.5 का अपडेट आ सकता है। जब Mi 10 के लिए आएगा तो Mi 10 Pro के लिए भी ज़रूर रिलीज़ किया जाएगा। इसके बाद अगला डिवाइस है Redmi K30 Pro। तो यहाँ पे Redmi K30 सीरीज़ का भी फाइनली एंड दी एंड हो चुका है। यहाँ पे Redmi K30 इंडिया में तो Poco X2 के नाम से है, लेकिन यहाँ पे जो ये Redmi K30 Pro है, इसका कोड नेम हमें LMI देखने के लिए मिल जाता है, और ये ग्लोबल में Poco F2 Pro के नाम से है। और इस डिवाइस के लिए भी यहाँ पर MIUI 13 Android 12 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट, इंडोनेशिया स्टेबल अपडेट एवरी रीजन में यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर Redmi K30 Pro के बाद एक और डिवाइस है जिसका यहाँ पे दी एंड हो चुका है, जिसका नाम है Mi 10 Lite। तो यहाँ पे Mi 10 Lite की हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो ये जो Mi 10 Lite डिवाइस है, ये चाइना में ही अवेलेबल है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे Mi 10 Lite 5G डिवाइस है, वहाँ पे केवल Mi 10 Lite लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से इस डिवाइस का भी यहाँ पर दी एंड हो चुका है, और ये वाला डिवाइस भी केवल ग्लोबल के लिए ही है, इंडिया के लिए नहीं है। तो यहाँ पर दी एंड हो चुका है Redmi K30 सीरीज़, Mi 10 सीरीज़ और भी जितने डिवाइसेस मैंने आपको बताए थे, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Redmi K30, Redmi K30 Pro और भी जितने डिवाइसेस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उन सब का यहाँ पे दी एंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस वाले यूट्यूब चैनल पर पहले बनाएं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।